दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस कैसे फाइंड करते हैं यह सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी बेसिक से। यहाँ पे दोस्तों मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, एक तो आपका 2x2 ऑर्डर है, एक 3x3 ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखो, यहाँ पर हम अपना ऑर्डर को ऐसे लिखते हैं, m/n, ठीक है। जहाँ पे m आपका शो करता है नंबर ऑफ रोज को और एन शो करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें कितनी रो है, ये जो आड़ी लाइन है इनको रो कहते हैं। 1 2 टू रो है, 1 2 टू कॉलम है, तो क्या बन गया ऑर्डर, 2x2। इसकी बात कर लेते हैं, 1 2 3 रो, 1 2 3 कॉलम, तो ये बन गया आपका 3x3 का। ओके, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू हमें कैसे निकालना है। देखिए, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को लिखने में क्या अंतर है। मैट्रिक्स को दोस्तों हम ऐसे लिखते हैं और डिटरमिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं, यही अंतर है। और इसी के साथ हम अपना डिटरमिनेंट को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम अभी अपना एक नंबर लेके चल रहे हैं पहले, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, एक सिंपल सा प्रोसेस करना है। देखो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2x2 ऑर्डर के लिए माइनस इनका मल्टीप्लाई कर देना है, 5 × 4। यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई क्या आ गया, 2, और ये -20, कितना आ गया, -18। देखिए, जब आपका एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो संख्याएं घटती है। यानी 20 − 2 कितना, 18, और आगे वही चेन आता है जो कि बड़ी संख्या, बड़ी संख्या माइनस की, तो देखो आगे माइनस आई, यानी 18, -18 आ गया। ओके, इसका वैल्यू आ गया बराबर -18। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं होगा, ये इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या है, सिंपल है, यहाँ पे हम चिन्हों को फॉलो करेंगे, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। इस चिन्हों को ऐसे समझिए, देखिए चिन्ह ऐसे बदलते जाएंगे। देखो, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। अब यहाँ पे जो रो है इनको हम क्या लिखते हैं, R1, R2, R3, कॉलम को C1, C2, C3 से लिखते हैं। तो आपके पास यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है, 6 तरह से है जो इसको आप एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करने वाला हूँ, तो उसको ध्यान से समझ लेना, बाकी उसी तरीके से एक्सपांड होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, R1 के सापेक्ष में विस्तार करने पर तो देखो R1 के सापेक्ष में विस्तार करें, इसको हम किससे लिखेंगे दोस्तों, अपना डेल्टा से लिखते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या आएगा, देखो R1 के एलिमेंट देखो कौन है, ये आपका R1 है, 1, इसके साथ डिटरमिनेंट बीच में कौन है, 1, इसके साथ डिटरमिनेंट लास्ट में कौन है, -2, इसके साथ आपका डिटरमिनेंट। अब देखो, यहाँ पे हमने किसके सापेक्ष में, R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपांड किया था, हम इन चिन्हों को फॉलो करेंगे जो यहाँ पे R1 की जगह लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखो प्लस चिन्ह आएगा बीच वाले के लिए, यानी इसके लिए माइनस चिन्ह, ठीक है, लास्ट वाले के लिए प्लस चिन्ह। यह बात क्लियर है। अब देखिए, ये जो मैंने यहाँ डिटरमिनेंट बनाए हैं, इनमें मुझे क्या लिखना है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें सिंपल सा आपको काम करना है, देखो ध्यान से सुनना, ये जो 1 है ये कहाँ बैठा हुआ है। यदि आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ तो आप कहेंगे कि यह जो 1 है, हम इसकी बात करें, ये R1 एंड C1 में आ रहा है, ठीक है। तो इनको हटा दो, जिन में आ रहा है उसको हटा दो, पीछे बचा कौन, यहाँ पे देखो आपका 1, ये 4, -3 और -9, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब दोस्तों हम इस 1 पे आ गए, तो इस समय इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, बचा कौन, 2, 5, -3, -9। ओके, अब मैं इस पे आ गया, तो इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, बचा कौन, 2, 5, 1 एंड 4। इसको देखिए, ऐसे आप ऐसे रिलेट करके भी समझ सकते हैं। यहाँ पे लास्ट लास्ट ये आया, इसका फास्ट देखो सेम है, इसका फास्ट और इसका लास्ट सेम है, 1 4 1 4, ऐसे रिलेट करके भी आप समझ सकते हैं, ताकि आप गलती को पहचान सकें। ओके, कि आपने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की। अब देखो, हालांकि आसान है, मिस्टेक होने की इसमें दोस्तों संभावना बिल्कुल नगण्य रहती है।
अब ये आपका क्या है, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, यानी इसके जैसा। देखो तो इसका हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका वैल्यू देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका रहता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × -9 कितना, -9 आ गया, फिर माइनस करना है इनका मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया, माइनस का 12 आ गया, यहाँ पे आपका -1 है, इसका मल्टीप्लाई करना है कितना आ गया, -18, माइनस इनका मल्टीप्लाई करना है, ये कितना आ गया, माइनस का 15, ठीक है। हालांकि हम ये जो अलग अलग मल्टीप्लाई कर चुके हैं ऐसे करना है, ठीक, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे लिख के कर लेना चाहिए, ओके। ये -2, 2 × 4 कितना, 8, -5 × आपका 1 कितना, 5। कैलकुलेशन कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस गणित में हमेशा ध्यान रखिए आपका दोस्तों प्लस हो जाता है, यानी ये -9 + 12 कितना आ गया, प्लस का 3, 3 × 1 = 3 आ गया। यहाँ पे बात करते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, -18 और प्लस का 15 कितना, -3 आ गया, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 1 × 3 कितना, 3 आ गया, 8 − 5 कितना, 3 × -2 कितना, -6 आ गया, 3 + 3 = 6, -6 क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से अपना इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना निकला, 0 निकल कर आया है, ओके। तो दोस्तों जितने आप इसके एग्जांपल सोल्व करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए आसान होता जाएगा दोस्तों। बस ये वीडियो तो आपके लिए क्या काम करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा, बाकी आप खुद को करना है, आप कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं, इसको कितना समझ पाते हैं, वो आप खुद पर डिपेंड करता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा।